हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। एक भाई भी है और वसीम भाई, जिसमें उनको लेकर नया चैलेंज लिए हैं, जिसमें बिना मेकअप के हीरो हीरोइन सारे पात्र नजर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे लगता है कि बदलाव संसार का नियम है, बदलाव होते रहना चाहिए और अब समय भोजपुरी के लिए भी आ गया है कि उसमें भी बदलाव हो। और कहीं ना कहीं ये पहला कदम है बायोपिक सिनेमा के लिए और एक ऐसे सिनेमा को बनाने का काम किया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वसीम भाई ने, शमीम भाई ने और हमारे डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी ने, जो कहानी सच में मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं 10-12 साल से इस स्क्रिप्ट को मैं सुनता आ रहा था और कोई बना नहीं रहा था, पर हमारे भाई जो है तैयार हुए कि हम इस सिनेमा को बनाएंगे और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और मुझे लगता है कि इनका ये प्रयास जो है वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा। बिना मेकअप के एक्टिंग करना कितना टफ था? अच्छा लगा, क्योंकि जो हम रियल हैं वो जब हमको दिखाते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हम जो हैं वो यही हैं, हमको बना के सजा के प्रेजेंट किया जाता है। कहीं ना कहीं सिनेमा जो है वो सपने की दुनिया है और आज जो समय है वो कहीं ना कहीं रियलिटी की दुनिया में आ चुका है। सिनेमा लोग रियलिटी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जब रियल किरदार निभाने को हमें मिला तो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। बात करें इसमें जो बायोपिक है तो जिनका रियल कैरेक्टर है उनका निभाना तो कितना चैलेंज था, उनके जैसा अपने को प्रेजेंट करना कितना? निश्चित रूप से चैलेंज तो बहुत बड़ा था, क्योंकि जब आप किसी एक छवि में बंध जाते हैं और लोग जब आपको किसी एक छवि में स्वीकार कर लेते हैं और ख़ास करके मेरे जैसे लोग जिनका नाम ही फिल्मी किरदार के ऊपर पड़ गया, निरहुआ के नाम से लोग जानने लगे, ऐसे व्यक्ति को जब अपनी छवि तोड़ करके और किसी रियल किरदार को निभाना हो तो जिम्मेदारी तो बड़ी थी और मैंने पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि अब फैसला जनता को लेना है कि मेरा जो प्रयास है वो कितना उनको पसंद आता है। आम्रपाली जी भी बिना मेकअप के नजर आई जी, मैम क्या कहना चाहेंगे? उससे मेरे को तो ये लगता था ना कि मेरा बहुत अच्छा एक घंटा बच रहा है, वरना रोज सुबह सुबह एक घंटा बैठ के हेयर स्क्रिप्टिंग सब करना पड़ता था। बट फिर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो रही थी कि कैमरे पे कैसी लगूंगी, बट हमारे कैमरामैन सर ने बहुत ही वंडरफुल काम किया है और पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत खूबसूरत काम हुआ है और मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ तो मेकअप की जरूरत खास पड़ी नहीं। ये सही है, करेक्ट है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, इतना नेचुरल, इतना सटल लुक मिल रहा है और इतना रियलिस्टिक लग रहा है, तो मुझे बहुत मजा आया ये करने में। जब प्रस्ताव आया था बिना मेकअप के काम करता हूँ, क्या रिएक्शन? नहीं, वो संतोष जी बहुत शाने हैं, उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने पहले बोला था ऐसे हीरोइन का कैरेक्टर है ये वो, लव इंटरेस्ट, गाने वाने ये सब उन्होंने बताया। मैं जब सेट पे पहुंच गई मेकअप करके जब शॉट में गई तो बोले नहीं 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 चाहिए, निकालिए निकालिए दादा, निकाल दीजिए। और उधर ही उन्होंने सब पूछवाया, बोला सिर्फ एक बिंदी लगा लीजिए बस और आ जाइए सब। तो ये तो मानती नहीं है, लेकिन इनके मामा हैं वो तो उन्होंने जैसे कहा भांजी मेरे लिए कट्टू, इन्होंने सब पोछ पाछ दिया। लेकिन वाकई में कि आप कैसे खूबसूरत लगे, वो खूबसूरत हैं तो खूबसूरत ही दिखेंगे, जो चीज़ है वही दिखेगी। तो आम्रपाली जी तो ब्यूटी क्वीन है ही, उसमें कोई शक तो है नहीं, और ऐसे ही थोड़ी है, एक उनका फोटो दिखता है तो लोग लाखों की लाइक आ जाती है, तो आम्रपाली जी हैं उसमें कोई शक नहीं। देखिए वो हमारे सामने चेहरा दिख रहा है, देखिए सर सामने देखिए क्या बात है, दोनों क्या बात है, तो उसमें कोई शक नहीं, बहुत बेहतर काम किया उसके साथ। देखिए मेकअप की बात नहीं है इसमें, आम्रपाली जी ने जो 48 डिग्री सेल्सियस तापमान था इतनी गर्मी, हाँ उस गर्मी में कहीं कहीं ऐसा हुआ कि हमारी वैनिटी तो कंटिन्यू रही लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ भी आम्रपाली जी ने ये नहीं बोला कि वैनिटी नहीं पहुँचेगी तो मैं काम नहीं करूँगा। दिनेश जी तो हार्ड वर्कर हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, तो उनकी बात ही अलग है, उनके नेचर कमाल है, बहुत मेहनत से काम किया। और मैंने ये भी कहा है कि इस फिल्म में दिनेश जी ने वाकई में कि वंस अपॉन टाइम मुंबई की याद अगर अजय देवगन की दिला दी, जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया कि जो इन्होंने परफॉर्म किया तो आप वाकई में बोलेंगे कि इन्होंने अजय देवगन की याद दिला दी, कहीं से 19 नहीं लगे हैं। ये मेरी तरफ से हाँ मेरा अनुभव है और जनता ये बोलेगी कि दिनेश जी ने 21 काम किया, 19 नहीं 21 काम किया।
शायद लोग नहीं समझ रहे होंगे फिल्म देख कर। अरे नहीं नहीं, अल पचिनो, कोई गैंगस्टर फिल्म आती है तो वो कैरेक्टर तो आ ही जाता है, याद तो आ ही जाता है। सही बात है। आपके लिए कितना चैलेंज था इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना कि पैसे खर्च होते हैं और रिकवरी की इसमें परवाह नहीं करना था? आज तक कोई सिनेमा रिकवरी नहीं है, सोच के बनाया ही नहीं आज तक, और परवाह तो थी नहीं। दिनेश जी साथ थे, अमरवाली जी साथ थे, परवाह तो थी नहीं और टेंशन अभी भी नहीं है। अच्छा, और रिकवरी के लिए अपने सिनेमा बनाई नहीं आज तक। कम्प्लीटली अलग अलग है, जूनर ही अलग है, ये एकदम डिफरेंट कहानी है। रईस वॉज तो वो नॉट इवन द लुक ऑल्सो वॉज वेरी मच डिफरेंट। रईस में शाहरुख खान जी ने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पठानी पहनी है, बहुत सुंदर लग रहा है। रईस के लुक से ये इंस्पायर हाँ। और इन्होंने एक पठानी मुझे पहना दिया उसमें, इसलिए ऐसा लगा। हर रोज सेट पे कभी पीली पठानी, कभी पिंक पठानी, कभी येलो पठानी, अलग अलग कलर की पठानी पहन के वसीम जी आ जाते तो ये इंस्पायर। और वसीम वसीम भाई का ड्रेस जब हम लोग देखते थे तो हम लोग रोज तारीफ करते थे कि भाई आप कमाल लग रहे हैं, कमाल लग रहे हैं। तो इन्होंने ही सजेशन दिया हमारे डायरेक्टर जी को कि इस फिल्म में एक जगह इनको भी पहनाइए, तो हाँ फिर इन्होंने पहनाया एक जगह। चलेगी और थिएटर में चलेगी, यूट्यूब पर तो चलनी है, थिएटर में ये फिल्म चलेगी और दर्शक इसको पसंद करेंगे। मैं इनके पीछे पीछे चला हूँ, बस ये करते गए पीछे पीछे मैं करता गया। नहीं है ऐसा, नहीं है नहीं नहीं, सच्चाई है। अरे सच्चाई है, आपके पीछे पीछे देता हूँ मैं। जब ये कहानी बनी थी पूरी, जब मतलब कहानी तो रियल है पर जब सिनेमा के रूप में स्क्रिप्ट बनी तो सबसे जो तगड़ा इसमें किरदार था वो जो जिनके ऊपर फिल्म बन रही वो तो थे ही, दूसरा जो सबसे हमको किरदार मजबूत चाहिए था वो उस एसपी का चाहिए था, जिन्होंने जा करके वहाँ सारा चीज़ कंट्रोल किया था और उस रोल को भाई ने निभाया, बहुत बखूबी इन्होंने निभाया। और एक अलग ही इनका रूप देखेंगे आप लोग, इनका एक्शन अवतार मैंने पहली बार देखा ऐसा, इन्होंने बहुत शानदार एक्शन किया है फिल्म में भाई ने, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इनका किरदार। वसीम भाई की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन जी के इंस्पायर दिखते हैं, क्योंकि मुकद्दर, मुकद्दर सिकंदर वो सब उनके ही टाइटल में फिल्में बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सिलसिला? ये देखिए अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम लोग भी जब बचपन में फिल्में देखते थे तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो छाप पड़ जाती थी कि हम चाहते थे कि कभी हमें भी मौका मिले तो हम भी सिनेमा में काम करेंगे, सिनेमा बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे शमीम भाई जो हैं, वसीम भाई, शमीम भाई, मैं दोनों में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा आज तक। हीरो वसीम भाई, नहीं नहीं हीरो वसीम भाई हैं, पेमेंट वसीम ही भाई करने वाले। तो वैसे ही वसीम भाई ने भी बचपन से जो फिल्में देखी हैं कहीं ना कहीं उसकी छाप उनके दिलो दिमाग पे है और वो फिल्में बना रहे हैं, तो ये उनका जो है पैशन है। अमित जी मेरे माँ, वाह, इसलिए मैं मेरी माँ की ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।